कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सैंडविच टोस्ट, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम गैस धीमी कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच राई। राई को हम थोड़ा चटकने देंगे। राई चटक चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी को थोड़ा भून लेंगे। तो इसे हमने थोड़ा भून लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू, जिसे हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसे हम थोड़ा चला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इनको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो अब ये मिल चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच हरी चटनी। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। आप इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब हम 2 ब्रेड लेंगे। अब दोनों ब्रेड के ऊपर हम बटर लगा देंगे। तो हमने बटर लगा दिया है, अब इसके ऊपर हम हरी चटनी लगा देंगे। तो हमने हरी चटनी लगा दी है। अब हम 1 ब्रेड के ऊपर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डाल देंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इस पर डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर हम शिमला मिर्च डाल देंगे। फिर से हम इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क देंगे। अब दूसरे ब्रेड के ऊपर हम खीरे रख देंगे। अब हमने जो आलू का मिश्रण तैयार किया है, उसमें से थोड़ा मिश्रण लेंगे और उसे टिक्की के जैसा बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब इस ब्रेड को हम दूसरे ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम गैस के ऊपर 1 तवा चढ़ाएंगे। अब तवा के ऊपर हम बटर डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। आंच यहाँ पर हम धीमी ही रखेंगे। अब इसके ऊपर हम सैंडविच डाल देंगे। अब इसे हम 1 प्लेट से ढक देंगे और इसके ऊपर हम 1 भारी सामान डाल देंगे। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। फिर से इसे हम ढक देंगे और इसके ऊपर फिर से भारी सामान रख देंगे। तो देखिए, अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब हम इसे तवे पर से निकाल लेंगे। तो अब सैंडविच टोस्ट बनकर तैयार है।
आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।